गर्ल्स, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने बच्चों को क्या सिखाना है? कट शॉर्ट करते हैं। अपने बच्चों को ये सिखाना है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी नियति बदल सकता है। आप बहुत सारी चीजों के लिए लड़ सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो शायद आप लोग जवाब ढूंढते रहेंगे। अंबेडकर जी पे एक तंज ये भी कसा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया। मैं चाहती तो मैं इस टॉपिक को ना पकड़ती, मैं ऑफिसर हूं और कंडक्ट चला है, पर मैं आप लोगों को एक बात वैसे ही बोलना चाहती हूँ। बाबा साहेब ने ये अनाउंसमेंट 1935 में करी थी कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को भी 21 साल दिए थे बदलने को, पर हिंदू धर्म में भी ऐसी कुरीतियां थी जो नहीं बदली। और मरने के 1956 में उनकी डेथ हुई है, और मरने के केवल 1.5 महीने पहले वो बुद्धिज्म को अपना गए और हिंदू धर्म को छोड़ गए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि बाबा साहेब के अंदर पेशेंस किस लेवल का था। क्योंकि देखिए, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, इस बात से आप लोग भी नहीं कर सकते डिनाई, हम भी नहीं कर सकते डिनाई। लेकिन हर धर्म को रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत जो होती है वो समय समय पर पड़ती है। अगर हम ये बोले कि हिंदू धर्म में कोई गलती नहीं है, तो सती क्या था? सती क्या था? हिंदू धर्म में गलती नहीं है तो छोटे छोटे बच्चों की तो शादियां, ये जो बच्चियां बैठी हैं यहाँ, ये तो बच्चा लेके बैठी होती है अभी, छोटे छोटे बच्चों की चाइल्ड मैरिजेस क्या था? हिंदू धर्म में गलती नहीं थी तो विडो को रीमैरिज करने का अधिकार नहीं था। मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक था, पति फोन पर ही तलाक 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 कह रहा है। हर धर्म में वक्त वक्त पर रिपेयर और मेंटेनेंस होने की बड़ी जरूरत होती है, और ये बात हिंदू धर्म को भी याद रखनी चाहिए। बाबा साहेब बस यही समझाते समझाते चले गए, वो दिल से हिंदू थे, बट जब व्यक्ति के एक कहीं ना कहीं चरित्र को, कैरेक्टर को, कॉन्शियसनेस को चोट लगती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करने पे हमेशा मजबूर होता है। आप बाबा साहेब को हमेशा रिस्पेक्ट से याद अपने मन में रखें, वो उनकी पर्सनल चॉइसेस थी। पर मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, हम हिंदू हैं, पर इस बात से भी हम लोग डिनाई नहीं करेंगे कि जो कुरीतियाँ इसमें हैं, समय लगेगा उसमें बदलाव आने में, और हम उसका हिस्सा हैं और हिस्सा उसका बना रहेंगे। तो बस अंत में मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ जो मैंने बहुत बार बोली है, वो यही है कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय भीम, जय हिमाचल, जय भारत। जोरदार तालियां मैडम के लिए, बहुत ही